नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कीटोकोनाजोल क्रीम का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, कीटोकोनाजोल क्रीम को कैसे लगाना चाहिए और कीटोकोनाजोल क्रीम की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि कीटोकोनाजोल क्रीम को लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में कीटोकोनाजोल क्रीम को लगाना रिकमेंडेड नहीं होता है। कीटोकोनाजोल क्रीम एक एंटी फंगल दवा है जिसका उपयोग फंगल इन्फेक्शन और यीस्ट इन्फेक्शन होने पर किया जाता है। त्वचा पर फंगल इन्फेक्शन होने पर त्वचा में लाल धब्बे, दाग, खाज, खुजली और त्वचा में जख्म आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। फंगल इन्फेक्शन नाखूनों और जांघों में भी हो सकता है, इसलिए नाखूनों और जांघों के फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी कीटोकोनाजोल क्रीम का उपयोग किया जाता है। फंगल इन्फेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि कीटोकोनाजोल क्रीम की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में कीटोकोनाजोल क्रीम की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में कीटोकोनाजोल क्रीम की वजह से त्वचा में जलन, खुजली, त्वचा में लालपन, सूजन और त्वचा की एक पतली लेयर पपड़ी बनकर उतर सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कीटोकोनाजोल क्रीम को कैसे लगाना रिकमेंडेड होता है। कीटोकोनाजोल क्रीम को लगाने से पहले आपको अपने हाथों और जिस एरिया पर क्रीम को लगाना है उस एरिया को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए और हाथों व प्रभावित एरिया को अच्छी तरह सुखाने के बाद कीटोकोनाजोल क्रीम की एक पतली लेयर प्रभावित एरिया पर लगानी चाहिए। कीटोकोनाजोल क्रीम को एक उंगली की मदद से हल्के हाथ से फैलाकर लगाना चाहिए और कीटोकोनाजोल क्रीम को ज्यादा रगड़कर नहीं लगाना चाहिए। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर कीटोकोनाजोल क्रीम को दिन में दो बार लगाने की सलाह देते हैं। कीटोकोनाजोल क्रीम को लगाने के बाद आपको अपने हाथों को साबुन की मदद से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए ताकि इन्फेक्शन दूसरी जगह पर ना फैले। अब हम डिस्कस करेंगे कि कीटोकोनाजोल क्रीम को लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में कीटोकोनाजोल क्रीम को लगाना रिकमेंडेड नहीं होता है। कीटोकोनाजोल क्रीम को आँख, नाक और मुंह के अंदर लगाना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए कीटोकोनाजोल क्रीम को आँख, नाक और मुंह के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको कीटोकोनाजोल क्रीम या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो आपको कीटोकोनाजोल क्रीम को नहीं लगाना चाहिए और इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं कीटोकोनाजोल क्रीम को लगा सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर कीटोकोनाजोल क्रीम को लगाने की सलाह तभी देते हैं जब कीटोकोनाजोल क्रीम का देना बहुत ही जरूरी हो। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि कीटोकोनाजोल क्रीम प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है या नहीं, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कीटोकोनाजोल क्रीम को लगाने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका कीटोकोनाजोल क्रीम से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।